नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइव। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइव पर इस वक्त की बड़ी खबर। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दीप का बड़ा ही महत्व है। यह धर्म और विजय का सूचक भी होता है। आज इसी विजय को हासिल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत देश से अपील की थी कि 5 अप्रैल को इस संकट की घड़ी में रात्रि 9:09 तक दीप जलाकर अपने घरों पर खड़ा होकर कोरोना से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाना है। और आज यह पीएम की संदेश पर देशवासियों ने अमल करते हुए निष्ठा और सच्चे दिल से अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर दीप जलाकर देश ही नहीं पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि इस कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं और इस कोरोना को भारत से मिटाकर ही दम लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से बच्चे हो या बूढ़े हो या तमाम लोगों ने अपने अपने घरों पे घरों के सभी लाइटों को बुझाकर हाथों में मोमबत्ती लिए हुए खड़े हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि हम इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं और हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में सिवान के पूर्व भाजपा सांसद ओम प्रकाश यादव भी इस उम्मीद की दिया जला रहे हैं, हाथों में मोमबत्ती लिए हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस दीप को जला रहे हैं। और ये देखिए, ये सिवान के रेलवे पुलिस है और ये प्रधानमंत्री के आह्वान पर, यानी ये कहा जा सकता है कि अपील किया हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा सब कोई इस पर पहल कर रहा है और सब कोई ने अपने हाथों में दिया और मोमबत्ती और टॉर्च लेकर ये साबित कर दिया कि कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी से हम लड़ने के लिए एकजुट हैं और हम लड़ सकते हैं और इस कोरोना को इस देश से भगा कर दम लेंगे। और ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के सदर अस्पताल के साथ, जो सिवान के कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, यानी समाज सेवी श्रीनिवास यादव अपने पूरे टीम के साथ सिवान सदर अस्पताल में अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया था कि अपने हाथों में टॉर्च या दिया और मोमबत्ती लेकर ये संदेश देना है कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, हम अकेले नहीं हैं, उस चीज़ को साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि आज पूरा देश एकजुट है और इस कोरोना जैसा महामारी को हम लोग देश से भगाकर दम लेंगे। देखिए, कोरोना जैसे संक्रामक रोग के लिए पूरे देश विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, उसी दरमियान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि 9:09 तक ले दीप प्रज्वलित करके लिए सबको संदेश देना है कि हम लोग एकजुट है इस बीमारी को लड़ने के लिए। तो उसी क्रम में हम लोग सिवान सदर अस्पताल जो है, इसमें तमाम लोग यहाँ के कर्मचारी से लेकर तमाम जो व्यक्ति इलाज कराने भी आए थे वो सभी लोग शरीक हुए। देख लीजिए किस तरह नज़ारा बना है। इससे साबित हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेंगे देश हित में, जनता के हित में, मानव के हित में, उसमें पूरे भारत एक उनके साथ एकजुट है। और कोरोना जैसे बीमारी को आज सिद्ध कर दिया, वो कितना भी ताकतवर होगा तो भारत से वो हार के जाएगा, उसे कोई जीतने के यहाँ जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश हित में सार्थक सोच के तहत उन्होंने पहल किया है कि 9:09 तक लोग मोमबत्ती जलावें, दीप जलावें। दीप शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा का प्रतीक है और इससे दरिद्रता दूर होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है।
और आज कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। और आज कर्मवीरों के लिए हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोग अपना दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र उनके कुशल नेतृत्व में एकजुट है। निश्चित रूप से दुनिया के अन्य राष्ट्रों से भारत आज इस चुनौती को बड़ी मुस्तैदी के साथ सामना कर रहा है और हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस चुनौती को हम लोग जीतेंगे।